भी टीचर में थी, मुझे खुद को नहीं पता था देशद्रोही क्या है, इदारा क्या है। और बस मतलब जब मैं टीचर वर्क में रही, नक्सल और जो सरकार के बीच में जो इस तरह से मूवमेंट चल रहा था, यही तक ये था कि नक्सलाइट धारा ही देशद्रोही का धारा ऐसा होता है, मतलब ये मुझे नहीं पता था। फिर जब मैं जेल गई, जेल जाने के बाद जो प्रताड़ना मुझ पर इतना ज़्यादा हुआ है सब, तब तक भी मुझे नहीं समझता, पता नहीं जो प्रताड़ना दे रहे हैं, जो जिस तरह पुलिस जो कर रही, औरत होने के नाते शायद मेरे शरीर के साथ इतना शर्मनाक प्रताड़ना और इस तरह निवस्त्र करना, करें छोड़ देना और कुछ कागजों को दस्तखत करवाने के लिए सिग्नेचर के महीना करने पे ऐसा कर रहे हैं, ये मुझे तब तक लगा। लेकिन जब जेल जब गई तो मुझे वो भी कुछ समय बाद मुझे जब पता चला, मतलब काफ़ी समय बाद, कि मुझ पर देशद्रोही दरार लगा है। तो ये जब सुन के, मैं एक टीचर हूँ और मेरे को देशद्रोह क्या दारा लगता है, तो कैसे महसूस होगा। जेल में जो मेरे साथ भेदभाव हुआ, जिस तरह वहाँ के सुरक्षाकर्मी पुलिसकर्मी ने औरों को बताया, जो कि कुछ ऐसे केसेस में भी लोग जेलों में आई हुई महिलाएं थी जो घरेलू समस्या से कुछ अपने मतलब चोरी या डकैत या फिर घर की कुछ समस्या देश पड़ता, ऐसे भी महिला कई लोग महिलाएं थे जब रायपुर जेल में थी, तो उनको ये सिखाया जा रहा था पता है ये देशद्रोही है, ये नक्सलाइट है, इसके पास मत बैठो, इसको ये मत करो, इसको बाथरूम में पानी मत दो। जैसे मैं टॉयलेट में चले गई तो ये कहा जाता था कि मुझे दिया ही नहीं जाता था, कि अभी नहीं अभी भीड़ है, और पानी में अगर वहाँ पर हम लेने गए पानी की बोतल लेकर तो हमको ऐसे तिरछी नज़रों से देखा इनको, क्योंकि जो महिलाओं जेल में थी ना बंदियाँ, वो दिल से नहीं थे ऐसे बुरे, उनको ऐसा बोल बोल के उनके अंदर में हमारे खिलाफ ढाला गया। और डालने वाले भी कौन, जो वहाँ के ड्यूटी में हैं, पुलिस विभाग के जो मतलब एक कर्मचारी हैं, ये लोग उनके दिमाग में डाल, खाना दे रहे हैं तो हमको बहुत दूर से, हम बैठ रहे हैं, अब जैसे आप बैठे मैं आपके पास जा रहा हूँ, आप उठ के चले जाओ। पुलिस वाले में भी बताते हैं कि एसपी के टेबल में नक्सलाइट की तस्वीरों के साथ मेरा तस्वीर रहता है, तो कुछ मेरे रिश्तेदार भी है पुलिस विभाग में तो बताते हैं आपका टेबल में है। तो कई जगह मैंने खुद ऑफिस में जाके सबसे पहले जैसे एसपी से मिल रहे तो कोशिश मैंने भी किया, मैं भी दंतेवाड़ा वगैरह में देखा कि वहाँ बड़े बड़े नक्सल लीडर का तस्वीर है तो साइड में मेरा भी है। तो एक दुख की बात है ना, आज भी इतने न्यायालय में इतने सारे केसेस के लड़ने के बाद न्यायालय बेइज्जत रिहा किया, और ये भी है कि मैं कोई देश मतलब नक्सलाइट और देशद्रोही का जो धारा वो हूँ ही नहीं मैं, फिर भी आज उसको मेरी तस्वीर को रख के अन्य लोगों को पुलिस विभाग के जो उच्च स्तर के अधिकारी वो बताते हैं ये शहरी नेटवर्क की नक्सलाइट है, इससे तुम बच के रहना, ये बहुत बड़ी ये है, मतलब ट्रेनिंग होता है पुलिस विभाग होता है वहाँ बताया जाता है, तो मुझे कितना तकलीफ होती होगी। 5-6 साल है पेशी पर पेशी ये चल रहा है, लेकिन इसका कभी गवाही चार्ज भी नहीं लगा, तो अंदाज़ा लगाइए कितना और हमको लंबा लड़ने का। लेकिन ये चीज़ें हम जेल में तो हम जेल ही, आज भी हमको बाहर जिस नज़रिया से आज भी मुझे जो बोलते हैं ये नक्सलाइट है, देशद्रोही का धारा लगा, मेरे बच्चों को सुनना पड़ता है कि तुम्हारी माँ नक्सलाइट है और ये देशद्रोही का धारा उन पर लगा है। लेकिन आज भी जैसे मैंने चुनाव लड़ा तो चुनाव में जिस तरह से सामना करना पड़ा, हर कोई मुझे देख के गालियाँ देना और ये बोलना है, मान के चलो उनको नक्सलाइट उनके परिवार में नक्सलाइट का शिकार हुए हैं, उनके परिवार को नक्सल ने मार दिया, तो सीधा मुझे बोल देते हैं तुमको अच्छा लगा, अच्छा लगता है इस तरह हमारे घर को बर्बाद करके, तो मैं क्या की इसमें, तो बोलती है नक्सलाइट हो ना, उसी केस में तो जेल गई थी, नक्सलाइट होगी तभी ना ले गए मतलब ये पुलिस वाले आपको उठा के जेल में डाल दिए थे, ऐसे मतलब बहुत जगह मुझे ये सब सुन, आज भी सुनती हूँ, आज भी कहीं ना कहीं कुछ वो भी कोई और नहीं, जैसे गांव ग्रामीण है वो कभी मुझे उस नज़र से नहीं देखते, वो लोग बोलते हैं ये एक आदिवासी है, हमारी दीदी है, हमारी चाची है, हम मतलब जिस तरह हम परेशान हैं वैसी ही हैं, ये जो धारा लगा है। और एक तरफ से देखा जाए तो इसमें तो बहुत नुकसान हमारे आदिवासियों का बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर फिर अगर ये धारा लगा रहे हो किसी देश द्रोही तो फिर उसी पूरी पक्के सबूत के साथ, जैसा वाकई मैंने मेरे मुझ पर लगा देश द्रोही का, तो फिर कोई सबूत नहीं है ना,
एक मजाक बना, इतनी बड़ी धारा लगा दी है और कोर्ट ने बाइज्जत रिया भी मुझे बेल मतलब रिहाई हो जाती है और उसमें ये बता रहा है कोर्ट ने इस पर जो धारा लगा है ये धारा मतलब सोनी सोरी के ऊपर ये कोई बनता नहीं, इस पर ये ऐसे नहीं ऐसे पूरी सफाई कोर्ट दे रही है। तो बताओ लेकिन उस समय जब आपने लगाया तो ये है कि ऐसे धारा अगर मुझ पर ज़बरदस्ती का लगा के उस पुलिसकर्मी के पर उस सरकार के लिए भी एक सजा होना चाहिए। तो एक मजाक है कि इतनी बड़ी धारा लगाना, जैसे होता है ना कि एक मर्डर होती है किसी की हत्या होती है तो उसको ये पता है कि मैं इसका हत्या करूँगा तो मुझे ये धारा लगेगी तो मुझे नहीं करना चाहिए। तो वैसे आदिवासी के साथ यही प्रॉब्लम है। अब उसको हम नक्सल का यही मतलब ज़्यादा मैं भी सोचते रहे उनको ऐसा एक शिक्षा दिया जाए कि वो धारा ना लगे, लेकिन उसको ऐसा क्या शिक्षा दें क्योंकि वो तो अगर बता भी देंगे कि नहीं आपको ये नहीं करना, एक तो हथियार भी नहीं पकड़े हों और ना कोई भवन को भी नहीं तोड़ते हैं, अगर भवन तोड़ते या हथियार पकड़ते तो हम ये सिखाए जाते हैं देखो देखो ये आपने बंदूक पकड़ा है नक्सलाइट के साथ हो जाओगे तो आपको ये धारा लग सकती है तो आप ये हथियार नहीं पकड़ोगे। अब देखिए आप उस बिल्डिंग को तोड़ने में सहयोग नहीं करोगे नहीं तो वो धारा आपको लग जाएगी, ऐसे उनको सिखा वो तो जाते भी नहीं उनको भी लगाया जा रहा है ना, ये दिक्कतें हैं।